गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। चलिए, आज हम लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 का एक्सरसाइज किया था। आज के वीडियो में उसी लेसन का एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए, आप अपना बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 6। ओके, अंडरस्टैंडिंग रूल्स। रीड दिस सेंटेंस। दिस इज अ बाइसिकल, या बाइसिकल है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ या जा रहा हूँ। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। रवि लिव्स इन दिल्ली, रवि दिल्ली में रहता है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस में ये रेड कलर हाईलाइटेड क्यों है, ये वर्ड्स रेड कलर में हाईलाइटेड क्यों है। चलिए हाईलाइटेड वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस आर नेम ऑफ पीपल्स। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, वो सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो नेम ऑफ पीपल के हैं, नेम ऑफ प्लेस के हैं, नेम ऑफ थिंग के हैं। पीपल्स, पीपल के नेम सिस्टर रवि। ओके, प्लेस के नेम स्कूल दिल्ली, स्कूल दिल्ली। प्लेस के नेम है, स्कूल भी एक प्लेस है, दिल्ली भी एक प्लेस है। थिंग्स नेम बाइसिकल, साइकिल। ओके, बाइसिकल ये थिंग्स नेम है, इसको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ड दैट नेम पीपल, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। मैंने बताया था ना नेमिंग वर्ड्स के बारे में। तो पीपल्स, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड, थिंग्स आर के नेम को क्या बोला जाता है? उनके नेम, नामों को नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नेमिंग वर्ड्स। ओके, पीपल नेम्स, प्लेस का नेम, एनिमल्स का नेम, बर्ड्स का नेम, थिंग्स का नेम, ये सारे चीजें होती हैं नेमिंग वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। इस पिक्चर को देखें और इस हेल्प बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आपको इन पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, उसके नेम राइट करने हैं। ओके, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्कूल, दिस इज द पिक्चर ऑफ किंग, दिस इज द पिक्चर ऑफ कंगारू, दिस इज एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बैग, दिस इज द पिक्चर ऑफ गर्ल, दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, तो आपको समझ में आ गया नेमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और मैंने जो भी बताया हो, जो भी फिलअप किया है इस बुक में, वो आप अपने बुक में फिलअप कर लीजिए। और आज का